नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चल रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हमने लोकोक्तियाँ विलोम शब्द देखे हैं, तो आज हम देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अपना ये तो हो गए भाई विलोम शब्द लोकोक्ति आज हुई थी, आज का काम आज करना है। हर रोज़ हमारे पर्यायवाची चलते हैं, तो मैंने आपके लिए लिए है 5 इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब हो गया जैसे कोई अग्नि आ गया तो अग्नि का जैसे समान अर्थ निकलने वाले, सभी के समान अर्थ। अग्नि को हम आग भी कह सकते हैं, अनल भी कह सकते हैं, जिनका समान अर्थ निकलता वो है पर्यायवाची शब्द। तो हम हर रोज़ 5-5 पर्यायवाची शब्द देखेंगे और रोज़ का काम रोज ही करेंगे, यानी तुरंत याद कर लेंगे। तो इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है BSTC और PTT के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा दोस्तों। ये वैसे रट्टा लगाने की बातें हैं दोस्तों, ये समझने की नहीं है। ठीक है, अग्नि, अग्नि को हम आग कहते हैं तो इसे आग ही कहते हैं, आप रट्टा लगा लो आग ही कहते हैं इसे। इसे अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, दहन भी कहते हैं, वनि भी कहते हैं, कृषाणु भी कहते हैं। आग, अनल, पावक, दहन, वनि, कृषाणु, ये सब अग्नि के क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों आप याद कर लीजिएगा अग्नि के पर्यायवाची शब्द आग, अनल, पावक, दहन, वनि, कृषाणु। अग्नि के क्या पर्यायवाची हैं? आग, अनल, पावक, दहन, वनि, कृषाणु। रट्टा लगा लो तुरंत दोस्तों। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो बिल्कुल रट लीजिएगा दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। अतिथि की बात करें तो अतिथि के प्रमुख पर्यायवाची शब्द है, देखो अभ्यागत हैं, आगंतुक हैं, मेहमान हैं, पाहुन। अतिथि कि आज हमारे घर पर अतिथि आने वाले हैं, अभ्यागत आने वाले हैं, आगंतुक आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं, पाहुने आने वाले हैं। पाहुन भी हम कह सकते हैं, मेहमान हम कह सकते हैं। तो ये अतिथि के हो गए पर्यायवाची शब्द। अतिथि के क्या पर्यायवाची हैं? अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान और पाहुन। ठीक है, ये अतिथि के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं अमृत। देखो दोस्तों अमृत, हम कह सकते हैं अमृत को सुधा। अमृत के क्या पर्यायवाची हैं? सुधा, सोम, पीयूष, मधु, अमी, अमीय, सुरभोग, देवभोग। सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, अमीय, अमी, मधु, सुरभोग, देवभोग, ये किसके पर्यायवाची है? तो अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आज का काम आज करें दोस्तों, इस प्रकार की हमारे 15 क्लासें चलेगी। ये आज हमारी पहली क्लास है पर्यायवाची शब्द के लिए। ठीक है, अमृत के क्या हैं? सुधा, सोम, पीयूष, मधु, अमी, अमीय, सुरभोग, देवभोग। इसके बाद है अपमान, कि भाई उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरा अनादर कर दिया, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार। ठीक है, भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया, मेरा अनादर कर दिया। ठीक है, हम कह सकते हैं तो ये अपमान के प्रमुख पर्यायवाची शब्द है अनादर है, अवज्ञा है, अवहेलना है, अवमान, तिरस्कार। ठीक है, ठीक है, नहीं रट्टा लगा लो दोस्तों, अपमान के, अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं अलंकार। अलंकार के क्या है दोस्तों पर्यायवाची शब्द? अलंकार के देखिएगा आभूषण है, भूषण है, विभूषण है, गहना है, जेवर। आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, ये किसके पर्यायवाची है? अलंकार के पर्यायवाची है। तो दोस्तों हम हर रोज दोस्तों इस प्रकार से 5-5 पर्यायवाची शब्द देखेंगे हर रोज। ठीक है, वैसे आप सभी को पता होगा दोस्तों हमारे 30 तो चल रहे हैं विलोम शब्द, सब विलोम शब्द चल रहे हैं दोस्तों हर रोज 30-30 विलोम शब्द। ठीक है, इसके अलावा 5 हमारे पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, और हमारे 10 तो लोकोक्तियाँ हो गई, 10 लोकोक्तियाँ चल रही है, लोकोक्तियाँ भी चल रही है। तो इस तरीके से विलोम शब्द चल रहे हैं, लोकोक्तियाँ चल रही है, पर्यायवाची शब्द चल रही है, चल रहे हैं। तो इनको शब्द को हर रोज़ का काम, रोज़ का काम रोज़ करना है दोस्तों। ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों, और एग्जाम से पहले हम पूरा सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो मेरा जो मैं मैटर जितना दे रहा हूँ तो उसको साथ साथ में याद करते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये 5 पर्यायवाची शब्द आज ही आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, कल तो दूसरा वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।